हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है हैदराबादी आम दाल गोश्त। ये सालन आम की कच्ची कैरी और चना दाल से बनता है। ये साउथ इंडिया की एक रीजनल रेसिपी है। तो चलिए फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। इस रेसिपी में गोश्त को अलग से गलाया जाता है। सबसे पहले हम आधा केजी गोश्त को कुकर में लेकर स्वाद अनुसार नमक, एक पाव चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक कप पानी डालकर कुकर में 5 से 6 विजल आने तक और गोश्त के गलने तक अच्छे से गला लेंगे। चलिए गोश्त के गलने तक आम के कैरी को कैसे कट करते हैं एक बार देख लेते हैं। ये कच्चे आम की कैरी है। इस तरह से दबा कर देखने से सख्त होनी चाहिए और स्मेल भी करेंगे ना तो इसकी खट्टी स्मेल अलग से पता चल जाती है। कैरी जितनी ज्यादा खट्टी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। इस तरह से इसके छिलके को पील आउट कर लेंगे और इस तरह से 2 पीसेस करने पे अंदर इस तरह से सॉफ्ट गुटली, जिसे हम जीड़ी भी कहते हैं, इसे हटा लेंगे और पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। कभी कभार कैरी में सख्त वाली गुटली भी होती है, तब हम कैरी को इस तरह से ऊपर से कट करेंगे। और बीच की बची हुई गुटली को चाहे तो आप ऐसे ही यूज कर लें या फिर हटा दें। गोश्त भी गल चुका है। चलिए अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। गोश्त को निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। इधर मैंने 200 ग्राम चना दाल को 4-5 घंटों के लिए भिगोकर गलाकर रख लिया है। चलिए अब थर्ड और लास्ट स्टेप देख लेंगे। जिस बर्तन में मैंने गोश्त गलाया है उसी में 150 ग्राम के करीब 2 मीडियम साइज की प्याज को स्लाइस कट करके ले लिया है और इसमें 1 पाव कप तेल डालकर प्याज के नरम होने तक और हल्का सा रंग बदलने तक पका लेंगे। यहाँ पर आप लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढककर भी पका सकते हैं, जिससे कि प्याज जल्दी नरम हो जाएगी। अब इसमें 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसकी खुशबू आने तक इसे प्याज में अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें गला हुआ गोश्त डालकर प्याज और अदरक लहसुन के मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। अगर नीचे से चिपक रहा हो तो 2-3 टेबलस्पून पानी भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी नॉनवेज बनाएं, गोश्त को तेल और मसालों के साथ अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है। उसी से गोश्त का अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें आम की कैरी और 3-4 हरी मिर्च भी डालकर इसे भी अच्छे से भून लेंगे। जो कैरी के पीसेस गिर गए हैं उन्हें भी उठा लिया है मैंने, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब इन आम के पीसेस को भी नरम होने तक मिक्स करते हुए अच्छे से पका लेंगे और इसमें 1/2 कप पानी डालकर कैरी के पीसेस को नरम होने तक ढककर पका लेंगे। लो फ्लेम पर बस 5 मिनट लगे हैं आम की कैरी को गलने में। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। कुछ इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब इसमें जो चना दाल हमने गलाकर रखी थी ना, इसे भी शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप ये सालन बिना गोश्त के सिर्फ कैरी और चना दाल से भी बना सकते हैं। बस जी, बन गया हमारा सालन। आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पानी एडजस्ट करेंगे और थोड़ा नमक मिर्च एडजस्ट करके इसे ढककर 7-8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और सालन हमारा बनकर एकदम तैयार है। अब बस फ्लेम बंद कर दीजिएगा और इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिएगा। और जाते जाते रेसिपी को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।